वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। एक और वीडियो में मैं गुरनाम आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि थंबनेल में देखा, आज हम डिस्कस करेंगे वो कारें जो 1 लाख प्राइस बकेट के अंदर आ सकती हैं या 5-10 हज़ार ऊपर नीचे प्राइस में वो आ सकती हैं। सो सबसे पहले गाइज मैं आपको बता दूं कि जो सेकेंड हैंड कार मार्केट है उसके प्राइजेज में आजकल काफ़ी इनक्रीज़ हुआ पड़ा है। मान लीजिए कि आप 1 लाख की गाड़ी जो पहले ले लेते थे 2 साल पहले, अगर वही गाड़ी आज की डेट में लेनी हो अगर आपको, तो लगभग उसमें 20 हज़ार का इंक्रीज़ मिलेगा 2 साल बाद भी। एंड सेम अगर आप 2 लाख वाली गाड़ी को परचेज़ करते हो तो उसमें हो सकता है आपको 40 हज़ार के आसपास का इंक्रीज़ मिले, वो भी आज 2 साल के बाद की मैं बात कर रहा हूँ। जो प्राइस लगभग 2 साल पहले सेकेंड हैंड कार्स के हुआ करते थे, आज की डेट में उससे भी ज़्यादा प्राइस जो बढ़ चुके हैं। सो इसका मेन रीज़न है बढ़ती हुई महंगाई। दूसरा रीज़न कोरोना। कोरोना ने सबको हिला के रख दिया है, अभी भी इसकी रफ्तार थमी नहीं है। एंड हर कोई अपनी फैमिली, सबके लिए इम्पॉर्टेंट होती है, सो हर कोई अपनी कार जो है वो ऑन करना चाहता है ताकि वो और उसकी फैमिली जो है वो सुरक्षित रहे। और तीसरा कारण मुझे लगता है ये भी है कि मारुति सुजुकी ने अपनी ऑल्टो K10 जो मॉडल था वो डिसकंटिन्यू कर दिया है, जिसकी काफ़ी डिमांड है आज की डेट में। और वो डिमांड काफ़ी लोगों को सर्व करती थी कंपनी इस सेगमेंट में। मारुति की इतनी यूनिट्स बिक जाती थी कि बाकी की लगभग सारी कंपटीटर मिला के भी 50% सेल नहीं कर पाती थी। सो ये इसका सारे रीज़न हैं जो कि प्राइस को इंक्रीज़ करने में सहयोग कर रहे हैं। सो चलिए अब बात कर लेते हैं वो कौन सी गाड़ियां हैं जो आपको 1 लाख बजट के अंदर मिल जाएंगी एंड उनका ईयर कौन सा लेना आपके लिए सही रहेगा। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं मारुति की गाड़ियों। तो मारुति की गाड़ियों में सबसे पहले नंबर 1 पे आ जाती है ऑल्टो। ऑल्टो जो है आपको पुराने वाला फर्स्ट जनरेशन ऑल्टो आपको मिल जाएगी। बहुत ही अच्छी गाड़ी है, ठीक ठाक चली हुई। ये गाड़ियाँ लगभग जो भी मैं गाड़ियाँ बताऊँगा लगभग इतने सालों में जो 1 लाख के अंदर आएंगी वो 1 लाख किलोमीटर से प्लस चल चुकी होंगी, फॉर श्योर इससे ज़्यादा ही चल चुकी होंगी। आपको 2005 से लेके 2010 तक का मॉडल वो मिल जाता है तो बहुत अच्छी डील होगी। मारुति की गाड़ी की एक अपनी ही फील है, एक अपना कॉन्फिडेंस आता है बंदे को। कहीं भी आप चले जाओ, रिपेयर सर्विस अवेलेबल है, इजीली पार्ट्स अवेलेबल हैं, स्पेयर पार्ट का खर्चा बहुत कम है। और सेकंड नंबर पे भी आ जाती है मारुति की स्विफ्ट। सो स्विफ्ट सेकंड जनरेशन तो आपको नहीं मिल सकती क्योंकि उसके रेट्स और इंक्रीज़ हो गए हैं जो लगभग 2 साल पहले चला करते थे। बट अगर आपको फर्स्ट जनरेशन 2010 से नीचे का मॉडल मिल जाती है, वो भी कंडीशन देख के, सो वो आपको बाय कर लेनी चाहिए। और 1 लाख 10 हज़ार या प्लस भी हो सकती है बेस्ड ऑन कंडीशन कि आप किस शहर से हो, कहाँ पे गाड़ी परचेज़ कर रहे हो। हो सकता है चंडीगढ़ में ये गाड़ी महंगी हो और आपके गांव में थोड़ी सस्ती भी मिल सके, बट एक आइडिया कि 1 लाख रुपए के बीच बीच में ये गाड़ी आपको मिल जाएगी। उसके बाद आ जाती है मारुति की ज़ेनस डीलो। बहुत कम सेल हुई थी इस गाड़ी की, बट ये गाड़ी अगर हम बात करें मारुति ऑल्टो या स्विफ्ट जो मैंने अभी गाड़ियाँ बताई उनके कंपैरिजन में थोड़ा सा अप मॉडल मिल जाएगी। उसका कारण यही है कि ये बहुत कम बिकी हुई गाड़ी है, बहुत कम प्रचलित गाड़ी है जिसको लेना लोग कम पसंद करते हैं। बट अगर कम वाला फैक्टर आपके माइंड को डिस्टर्ब नहीं करता है तो आप इसको भी परचेज़ कर सकते हैं और इसके भी पार्ट्स सारे अवेलेबल हैं, सर्विसेज अवेलेबल हैं, क्योंकि मारुति का ही ब्रांड है तो मारुति आपको हर जगह, हर सर्विस स्टेशन या फिर मारुति के जो डीलर ऑथराइज डीलर हैं वहाँ पे आपको इसकी सर्विसेज मिल जाती हैं। सो ये थी मारुति की गाड़ियाँ। बहुत किफ़ायती होती हैं, अच्छी, उनका माइलेज का कोई तोड़ अब तक नहीं आया। और इसके बाद सेकंड बात कर लेते हैं हुंडई की। सो हुंडई की i10 आपको मिल जाएगी, 2008 से लेकर 2013 का मॉडल। अगर आपको 1 लाख 10 हज़ार या 1 लाख के अंदर अंदर मिल जाता है, गाड़ी की कंडीशन आपको चेक कर के लेनी होगी। सो मैं बात कर रहा था i10 हुंडई की, i10 की। सो 2008 से लेकर 2013 का मॉडल अगर आपको मिल जाता है, सो ये गाड़ी माइलेज के मामले में तो मैं कहूँगा कि बहुत कम है कंपेयर टू मारुति, बट बाकी चीज़ें जैसे कि इसका कंफर्ट, कंट्रोल, स्मूथनेस, उस मामले में मटेरियल क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी के मामले में ये मारुति से आगे है। सो बहुत ही अच्छी फैमिली कार है। और इसी के साथ दूसरी गाड़ी भी जो रही सेंट्रो, जो कि फैमिली कार के नाम से बहुत चली थी और जिसने धूम मचा दी थी आते ही इस सेगमेंट में, पूरी छा गई थी। सो वो ऑप्शन भी आपके लिए हो सकता है। 2005 और 10 के बीच का कोई भी मॉडल अगर आपको 1 लाख मिल सकता है आपके एरिया में, बेस्ड ऑन की गाड़ी की कंडीशन कैसी है,
हाँ, मारुति की कंपैरिजन में थोड़ा सा सर्विस कॉस्ट एंड स्पेयर्स की कॉस्ट जो है वो थोड़ी सी महंगी रहेगी और रनिंग कॉस्ट भी आपको थोड़ी सी ज़्यादा पड़ेगी। एंड उसके बाद बात कर लेंगे फोर्ड की गाड़ी फिगो पेट्रोल वेरिएंट अगर आपको मिल जाए, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन तो नहीं मिलेगा इस प्राइस रेंज में, बट फर्स्ट जनरेशन आपको मिल जाए 2012 तक का मॉडल भी आपको मिल सकता है। एंड बहुत अच्छी गाड़ी है, बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, सेफ्टी काफ़ी अच्छी इसमें मिलती है, माइलेज के मामले में भी ठीक ठाक है और सर्विस कॉस्ट थोड़ी सी महंगी रहेगी। स्पेयर पार्ट भी कई बार हो जाता है या इजीली अवेलेबल नहीं होते, बट समहाउ मैनेज हो जाता है। सो अगर ये फैक्टर अगर आप थोड़ा बहुत मैनेज कर सकते हो तो आपको डेफिनेटली इन गाड़ियों के लिए जाना चाहिए। सो बहुत अच्छी डील हो सकती है क्योंकि लाख रुपए में अगर आपके पास एक साइड में ऑल्टो है और दूसरी साइड में फोर्ड फिगो है, फोर्ड बहुत मतलब अच्छा ब्रांड माना जाता है और फीचर्स लोडेड गाड़ी है, सो कोई यकीन नहीं करेगा कि आपने ये 1 लाख में परचेज़ की है। उसके बाद आती है पुंटो। सो पुंटो भी अब बंद हो चुकी है इंडिया में, अपना बिजनेस बंद कर चुकी है, सेल सर्विसेज सब कुछ बंद कर देती है, बट अभी भी गाड़ियाँ चल रही हैं। सो अगर आपको लगता है आप सिटी एरिया में रहते हो एंड पार्ट्स वगैरह की अवेलेबिलिटी है आपके शहर में, आप कंसल्ट कर लो मैकेनिक से अगर आप लेना चाहे तो ये गाड़ी भी ले सकते हो। और इसके बाद आती है शेवरेले। ये गाड़ी भी डिसकंटिन्यू हो चुकी है इंडिया से, बट स्टिल ये गाड़ियाँ भी सड़क पर दौड़ रही हैं, चल रही हैं। मेरे ही कुछ जानने वाले लोग हैं जिन्होंने ये गाड़ियाँ रखी हुई हैं और अब तक कोई प्रॉब्लम, इतनी ईजीली प्रॉब्लम भी नहीं आती, बट कुछ आ भी जाती है तो मैनेज हो जाता है क्योंकि स्पेयर पार्ट अवेलेबल हैं। हाँ, कॉस्टली हो सकते हैं एंड ओवरऑल छोटी गाड़ी है ये बीट शेवरेले की, सिटी एरिया के लिए बहुत सूटेबल है, छोटी सी जगह में भी आप इसको इजीली पार्क कर सकते हो। फ्यूल इकोनॉमिक ठीक ठाक है, ज़्यादा नहीं बोल सकते, मारुति का कंपटीटर कोई भी नहीं है। एंड सर्विस कॉस्ट वगैरह थोड़ी महंगी आपको रहेगी और ये फैक्टर रहेगा आपके मन में कि यार कहीं बाहर गए, पहाड़ों में गए घूमने, ख़राब हो गई तो सर्विस कौन देगा, ये सारे फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। बट अगर आप इन फैक्टर्स को अपने माइंड से मैनेज करना जानते हो या उतनी हिम्मत रखते हो तो आपको ये गाड़ी के लिए ज़रूर जाना चाहिए। एंड लास्ट गाड़ी जो है वो रहेगी स्कोडा फैबिया। बहुत ही कम बिकी हुई गाड़ी है और ऐसे बड़े ब्रांड के ये लोग इतनी इजीली हाथ भी नहीं डालते। ऑब्वियसली जिस बंदे का 1 लाख का बजट है वो ऐसी गाड़ी कभी नहीं लेना चाहेगा कि जो तीसरे दिन ख़राब हो जाए या कभी भी ख़राब हो तो वो उसका खर्चा अफोर्ड ना कर पाए। इसलिए बंदा सोचता है सबसे पहले ऑल्टो ही लेते हैं, ऑल्टो जब अच्छे से चला लेंगे, सीख लेंगे, फिर लगेगा बंदे को कि हाँ मैं दूसरे किसी अदर ब्रांड पे शिफ्ट कर सकता हूँ। अदरवाइज़ ऑल्टो बेस्ट ऑप्शन होता है क्योंकि शुरू में आपका फोकस होता है गाड़ी चलाने का, सीखने का, गाड़ी के बारे में समझने का, जानकारी लेने का। सो जानकारी से ही याद आया कि अगर आप गाड़ियों के बारे में नॉलेज लेना चाहते हैं या गाड़ी से जुड़ी किसी भी इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्ट रखते हो तो अगर चैनल पर नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसके अलावा इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपको क्वेरी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में डालें, लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।